तो गाइस हमारा 20,000 रुपए जो है फंस चुका है, देख रहे हो। हटाए लोग, जल्दी निकल, जोन कर दो। पाका का जो है मेन पुल है जो 2 साल पहले बारिश के पानी के वजह से टूट चुका था, तो इसका आज ना साथ। तो आज यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक हो और वेलकम टू माय व्लॉग। और अभी बज रहे सुबह के 8 और हम सो के उठ चुके हैं 7 बजे ही। और आज का जो व्लॉग है हम लोग अपने रूम से स्टार्ट कर रहे हैं। और आपने देखा होगा अक्सर कि मैं व्लॉग को स्टार्ट करूं या एंड करूं मैं अपने रूम से ही करता हूं। वो इसलिए गाइस क्योंकि मेरे पास तो आईफोन है नहीं। आईफोन में क्या होता है कि आईफोन के पीछे कैमरे के पास एक छोटा ऐसा सेंसर लगा हुआ होता है, जिसके कारण आईफोन में जो आप बोलते हो वो सिर्फ आपका बात को कैचअप करता है, वो रिकॉर्ड करता है और अलग से जो जितनी भी साउंड आती हैं उसको ज़्यादा कैचअप नहीं करता। और मेरे पास तो एंड्रॉयड का वीवो का फ़ोन है जिसमें सेंसर वेंसर तो है नहीं, जिसके कारण हमको रूम से व्लॉग को स्टार्ट करना पड़ता है और इसमें मेरे से ज़्यादा अलग साउंड इसमें रिकॉर्ड करता है। मेरा साउंड कम करके अलग से जितना साउंड आता है आप लोग को अभी भी सुना रहा होगा, कहीं हथौड़ी ठोकने का कहीं दरवाज़ा खोलने का साउंड सुनाता होगा। तो इसीलिए हम लोग अपने रूम से ही व्लॉग को स्टार्ट करते हैं या एंड करना होता है तो हम लोग रूम से ही जो होता है वही करते हैं। और अभी आज का जो सीन है वो कुछ बताने से पहले हम लोग चलते हैं अपनी छत पर और दिखाते हैं आपको आप अपने गांव का व्यू, उसके बाद मिलते हैं फिर से और उसके बाद बताते हैं कि आज का क्या सीन है, ठीक है? तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए छत पर और लेते हैं विटामिन डी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। चलिए तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। तो अभी तो हम आ चुके हैं अपने छत पर और ये निकल रही है विटामिन डी सूरज की किरणें। मतलब जैसे बोला जाए कि अभी तो सूरज की किरणें सुबह 6 बजे ही आ जाती है। किरण कौन सी किरण आप समझ रहे हो? अरे कहना क्या चाहते हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो वाली किरण मत समझना भाई, गाली पड़ जाएगी मुझे। सूरज की किरणें की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सूरज की किरण जो है वो 7 बजे ही मिल जाती है, निकल जाती है, मगर सूरज जो है अभी हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो मेरे लिए अभी विटामिन डी आएगी। ये देखो मेरे गांव का व्यू। हम चोरी चोरी चुपके से आए ना, तेरी कारी कारी लटवल जाए सजना, डूब जाए तेरी अंखियों में मेरी दुनिया, कर जाए मजबूर मुझे तेरी बतिया, बुलाए न बुले तेरी मीठी मीठी बातें, जगाए रे जगे देखो सारी सारी। ये कुछ इस तरीके का हमारा गांव है और मेरे आगे में जो है ये देख रहे हैं आप, कुछ ज्यादा ही बिना मौसम का बरसात हो रहा है गाइस। बिना मौसम का पानी कुछ नहीं, मतलब पानी नहीं पड़ा है, नाला साफ जो है नाला साफ हो रहा है, नाले पर ढक्कन वक्कन लग रही है जिसके कारण पानी रोड पे है, नाले में नहीं है रोड पर है। और उसके वजह से मेरे दुकान में घुस गया है कितने बार, तो आप लोग देख लिए हमारे गांव का व्यू। मिलते हैं 1 मिनट में, हम लोग भी धूप की किरणें खा के, आप लोग वो किरण मत समझना गाइस। तो चलिए चलते हैं अब नीचे दुकान पर, हमारा धूप का जो किरण लेना था वो तो हमने ले लिया, तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे। और क्योंकि मेरे भाई घर आएगा तो इसीलिए हमको जाना है दुकान पर बैठना है, फिर वो दुकान जाएगा, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि कहाँ जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पहले दुकान पर, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो चलिए अभी हम अपने दुकान पर आ चुके हैं और आपको साउंड जो है अलग से सुनाता होगा। किसका ये आ रहा है इसका सुनाता होगा साउंड, हमारा कम उसका ज़्यादा साउंड सुनाता होगा। और ये जो है इसको आप लोग देखें नहीं।
विकास है गाइस, जिसमें जिसके विकास से हमारा दुकान डूब चुका है। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, इसके विकास से हमारा दुकान डूब चुका है। और ये है व्हाट्सएप, मतलब व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप का बेटा है ये हमारे। प्यारी समझ गई, वार्ड का जो है वो बेटा है, बेटा। तो मिलते हैं दुकान पर, कहीं जाइएगा नहीं। फाइनली गाइज हमारा नाश्ता हो चुका है और अभी हम लोग निकल रहे हैं बांका के लिए। और बांका हमारे गांव से 11 किलोमीटर दूर है। बाइक भी हमारी साफ होके खड़ी है बाहर में। तो अभी हम अपने दुकान से यहां से जाने का वीडियो बना रहे हैं। तो चलते हैं बांका। और बांका में जो काम है वो ये है कि बांका हमको इसलिए जाना है क्योंकि मेरा जो एक दोस्त है बाहर में मुक्तदीर, उसका ATM आ गया है जिसका पिन नहीं बना है, पिन जनरेट नहीं हुआ। तो इसके लिए हमको बांका जाना है उसका पिन जनरेट करने के लिए, जिसके कारण उसका फ़ोन पे गूगल पे कुछ नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हमको बांका जाना है। तो और कोई वजह नहीं है, तो चलते हैं बिना कुछ देरी किए भी। और आगे बढ़ने से पहले जब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं बिना कुछ देरी किए भी, चलिए। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं बांका के लिए। तो गाइस अभी हम लोग बांका पहुंचने वाले हैं, पर उससे पहले ही आपको कुछ दिखाना है। तो ये बांका का जो है मेन पुल है जो 2 साल पहले बारिश के पानी के वजह से टूट चुका था। तो इसका आधा से ज़्यादा काम हो चुका है और कुछ बाकी है, ये भी 6 महीने में हो जाएगा। और ये काफ़ी लंबा है और अभी जो है इसको काफ़ी मजबूती से बनाया जा रहा है। तो इसमें ज़्यादा वक्त लग रहा है, 2 साल तो पार हो चुके हैं, और भी 6 महीने लगेंगे। तो ये रहा पुल, ये जाके वहाँ पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं आपको बांका में। तो चलिए गाइस यही हिस्सा सिर्फ बाकी है यहाँ से भर यहाँ तक, और भी जो पीछे का था वो तो हो चुका है, बस यही बाकी है। उसके बाद ये चलेगा, ये हम लोग बांका घुस गए और अभी तो चल रहा है उधर से साफ। अभी आपको साफ भी नहीं दिखाता होगा। तो ये मेन पुल है। हमारा बैंक ऑफ इंडिया जो है, बैंक ऑफ इंडिया का सारा काम हो गया है। अब हमको चलना है HDFC। तो चलते हैं HDFC में। ये हमारा निकल रहा है पेमेंट, देखिएगा अभी जादू से निकलेगा। अरे हो जा जादू, ये निकला जादू, ये इसे हाथ डाले ये बन गई। ये इसी कहते जादू। तो चलिए अब HDFC में। गाइस अभी हम लोग आ गए HDFC के ATM के यहाँ पर। ये हमारा लल्ला जी, बड़ा हरामी हो बेटा। ये इसका जो है पिन जनरेट ही नहीं हुआ, बैंक ऑफ इंडिया वाला पिन ATM जो है वो इसका जनरेट है, OTP नहीं गिर रहा था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो मेरा तो काम हो गया था बैंक ऑफ इंडिया वाला, तो अभी हम लोग आए हैं HDFC और निकालते हैं, इससे भी जनरेट करवाते हैं ATM को, उसके बाद चलेंगे घर। ठीक है, तो बने रहिए। तो गाइस हमारा 20,000 रुपये जो है फंस चुका है, देख रहे हो 20,000 फंस गया है। क्या 20,000 रुपये फंस गए, जाने दो चलो बाहर। तो गाइस अभी हम लोग चले गया भूख, अब हम लोग आ चुके हैं फिर खोला जा यहाँ पर हमारा दोस्त बैठा हुआ है। अब यहाँ से खाने के बाद एक से निकलेंगे घर हम लोग, तो बने रहिए मिलते हैं आपको घर। तो यहाँ पर शाम होने के बाद यही सब होता है, देख रहे हो ना। मेरे दुकान को ये लोग गेमिंग प्लेटफॉर्म बना के रखे, पता नहीं क्या करते। तो हेलो गाइस अभी हम लोग अपने रूम से ये व्लॉग को एंड कर रहे हैं। और हम लोग बांका से आने के बाद हम लोग कुछ समय के लिए सो गए थे, और सोने के सो के उठने के बाद हम लोग गए दुकान। तो दुकान पे देखा
काफ़ी भीड़ जमा है फ्री फायर का। लोग आप लोगों ने वीडियो तो देखा ही, और अभी शाम के 7 बज रहे हैं, शाम क्या बोलना, रात ही हो गया, 7 बज गए तो रात ही हो गए। और आपने जो वो एटीएम वाला वीडियो देखा होगा तो गाइस फेक है, मैंने ऐसे ही मजाक में बना दिया था। और हम लोग ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, तो आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो इस पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके गाइस ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया। तो मिलते हैं किसी तरह एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।